फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अलोंग या अलोंग विद क्या है, यानी प्रेपोजिशन अलोंग और अलोंग विद को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। अलोंग या अलोंग विद दोनों का मतलब होता है साथ, और इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपको कहना हो कि दो नाउन साथ साथ चल रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बात को मैं एक बार और रिपीट करूंगा, क्योंकि साथ साथ के लिए आप विद का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत मामूली फर्क है, आपको गौर से सुनना होगा। जब कोई दो नाव साथ साथ चलें, यानी आगे पीछे नहीं चलें, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ चलें, तो हम अलोंग या अलोंग विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अक्सर आप दो लोगों को देखे होंगे जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ चलते हैं या एक साथ चलते हैं, तो इस कंडीशन में आप अलोंग या अलोंग विद का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कंडीशन ऐसा हो जहां कुछ लोग साथ साथ चल रहे हैं लेकिन आगे पीछे, मान लीजिए आप पांच दोस्त किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए, जहां आपके पांचों फ्रेंड्स साथ साथ तो हैं, बट कोई आगे कोई पीछे कोई इधर कोई उधर, यानी जिसको जो अच्छा लग रहा है उधर देख रहा है उधर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब कंडीशन ऐसा हो कि कुछ लोग साथ साथ चल रहे हो लेकिन कदम से कदम मिलाकर नहीं, बल्कि कोई आगे कोई पीछे, तो इस सूरत में आप अलोंग या अलोंग विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप विद का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको अब बात समझ में आई कि अलोंग और अलोंग विद का इस्तेमाल आपको तब करना है जब दो नाम, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, एक साथ चलते हो या साथ साथ चलते हो, यानी कदम से कदम मिलाकर चलते हो। आइए फ्रेंड्स, एग्जांपल में इस बात को समझें। She was walking along with me. मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ, She was walking along me. तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह मेरे साथ साथ चल रही थी, यानी हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल देखें। There's a way along with the river. नदी के साथ साथ एक रास्ता है। यहाँ पर आपने देखा कि नदी और रास्ता दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुछ दूरी तक हैं। इसीलिए मैंने बोला अलोंग विद, क्योंकि अलोंग विद का इस्तेमाल तभी होता है जब दो नाव साथ साथ हों, दो नाव साथ साथ चलें या साथ साथ आगे तक जाएं। There's a blank check along with document. डॉक्यूमेंट के साथ एक ब्लैंक चेक है, वह डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी जहाँ जहाँ वह डॉक्यूमेंट होगा वहाँ वहाँ वह ब्लैंक चेक होगा, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे या दोनों एक साथ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि अलोंग या अलोंग विद का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि कोई दो नाउन साथ साथ चलते हैं या एक साथ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अलोंग का एक मीनिंग के किनारे भी होता है, और इसी सेंस में हम अलोंग साइड का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अलोंग या अलोंग साइड मीन्स के किनारे। देयर इज अ ट्री अलोंग या अलोंग साइड द रिवर, यानी नदी के किनारे एक पेड़ है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने अलोंग या अलोंग साइड का इस्तेमाल के किनारे के लिए किया। वॉक अलोंग साइड द रोड, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि के किनारे के लिए मैंने लिखा अलोंग साइड। आप चाहें तो यहाँ पर अलोंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट पार्क योर व्हीकल अलोंग साइड द रोड, सड़क के किनारे अपने गाड़ी को पार्क मत करो। अक्सर ये सेंटेंस आप सुनते होंगे कि सड़क के किनारे अपने व्हीकल को पार्क मत करो। आप कहेंगे डोंट पार्क योर व्हीकल अलोंग साइड द रोड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि अलोंग या अलोंग साइड मीन्स के किनारे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कंसेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।